तो आज मैं आपको Redmi 7A के सारे स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ, जो कि 100% क्लियर है, और कब तक लॉन्च होगा और क्या प्राइस होगी, और अगर आप Realme C2 लेने के लिए सोच रहे हैं तो क्या आपको लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए Redmi 7A का, तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं के वर्ल्ड। तो Redmi 7A का टेनर सर्टिफिकेशन हो चुका है, जिसमें हमारे पास इसका सारा डिज़ाइन आ चुका है। तो इसका डिज़ाइन आप देखेंगे लगभग आपको Redmi 6A की तरह ही दिखेगा, जिसमें आपको सामने की तरफ आपको Redmi की ब्रांडिंग एक्स्ट्रा मिलेगी नीचे की साइड, बाकी दिखने में बिल्कुल Redmi 6A की तरह लग रहा है। बैक में देखेंगे तो Redmi 6A की तरह ही है, बस इसका कैमरा जो कैमरा का डिज़ाइन है वो हॉरिजॉन्टल ना करके वर्टिकल कर दिया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी कूल लगता है। और नीचे आपको AI कैमरा दिख रहा है, मतलब आपको कैमरे में AI का भी ऑप्शन मिलेगा, और बस आपको नीचे Redmi की ब्रांडिंग जो है वो भी आपको वर्टिकली मिलेगी, हॉरिजॉन्टली नहीं मिलेगी। तो इतना भी बढ़िया डिज़ाइन नहीं है जैसे कि हमें Realme C2 में मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको सेम डिस्प्ले मिलेगी 5.45 इंचेस की, जो कि आपकी HD+ की डिस्प्ले होगी, जो कि आपको Redmi 6A में मिलती थी वैसे ही आपको डिस्प्ले मिलेगी। और कैमरे की बात करूँ तो बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। और इस बार इसमें आपको बैटरी जो मिलेगी वो 4000 mAh की मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड करा गया है Redmi 6A में। तो क्योंकि Redmi की जो सीरीज थी जिसमें आपको Redmi 4A में 4000 mAh की बैटरी मिलती थी, उसके बाद 3000 की कर दी थी, लेकिन अब वापस से इसको अपग्रेड करके 4000 mAh कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो बस ये स्पेसिफिकेशन जो है वो 100% कन्फर्म्ड है जो आपको मिलने वाला है, और साथ में आपको एंड्रॉयड पाई भी मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें आपको MIUI 10 पर बेस्ड रहेगा। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो अलग से लीक हुए हैं, लेकिन वो 100% कन्फर्म नहीं है। जैसे कि इसका जो प्रोसेसर होगा वो 1.4 GHz पर क्लॉक्ड होगा, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इतनी रहेगी, लेकिन ऐसा प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन में तो शायद स्नैपड्रैगन 435 और 430 है, जो कि पुराने प्रोसेसर हो चुके हैं, लेकिन MediaTek में इस क्लॉक स्पीड का तो प्रोसेसर को कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रोसेसर जो है वो काफ़ी सस्पेंस में है, अभी इसका कुछ लीक नहीं हुआ है। तो लेकिन प्रोसेसर जो है वो इतना भी तगड़ा नहीं होने वाला है कि Realme C2 को पीछा छोड़ दे। तो Realme C2 अगर आप लेने के लिए सोच रहे थे 6000 rupees में, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, Redmi 7A का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Realme C2 में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे कि बैक में डुअल कैमरा, फ्रंट में भी आपको बेटर कैमरा मिलेगा, और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा, बैक में आपको ग्लास फिनिश मिलेगी, और फ्रंट में भी आपको डॉट नोच या फिर वाटर ड्रॉप नोच मिलेगी, और डिस्प्ले साइज भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन Redmi 7A जो है वो वही अपना पुराना डिज़ाइन लेकर चल रहा है, तो आप अगर वेट कर सकते हो वेट कर लेना, लेकिन आप Realme C2 ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 5000 प्राइस पर लॉन्च होता है तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1000 rupees एक्स्ट्रा डालकर 6000 में Realme C2 ले सकते हैं, तो आप डेफिनेटली Realme C2 ही लेना, और अगर आप MIUI फैन है तो भी आप Redmi 7A को ले सकते हैं। और मैं सोचा था कि ये शायद Redmi Go का सक्सेसर हो सकता है, क्योंकि Xiaomi बहुत जल्दी जल्दी सक्सेसर लॉन्च कर रहा है, लेकिन इसमें टेनर सर्टिफिकेशन पर क्लियरली लिख रखा है Android Pie, अगर ये Go एडिशन का होता है तो Android Pie Go एडिशन लिखा होता है, जिससे मैं पता चल जाता है कि Redmi Go का सक्सेसर है। तो फिलहाल इतना ही सब कुछ लीक हुआ था। तो इसकी लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये आपका जून में लॉन्च हो सकता है, और इसका प्राइस जो है वो 5000 या फिर 6000 हो सकता है, लेकिन इस बार इसका प्राइस जो है वो 5000 रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात होगी, तो ये अच्छा फ़ोन रहेगा। लेकिन 6000 में Realme C2 काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो बस इस वीडियो में ये था, वीडियो पसंद है इस लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स साथ उसको शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम है फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।